तो प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। इसके अप्रत्यक्ष रूप से आसपास के करीब 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वाराणसी में अमूल के आने में क्या क्या बदलाव बदलेगा और क्या लोकसभा चुनाव के समीकरण पर भी ये प्लांट असर डालेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दिन में 10,00,000 लीटर दूध का उत्पादन करने वाले अमूल के इस बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा और इसी के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को एक ऐसा तोहफा मिलेगा जो पूर्वांचल के किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। बनारस में बनास डेयरी 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रही है। ये डेयरी यहाँ गौ संवर्धन का भी अभियान चला रही है ताकि दूध का उत्पादन और बढ़े। बनास डेयरी किसानन बदे वरदान साबित भइल हो। एक हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों यानी छोटे किसानों को भी इस प्लांट से बड़ा लाभ मिलने वाला है। ऐसे किसानों के लिए खेती और दुग्ध उत्पादन दोनों आय का जरिया होते हैं। बनारस में बड़ी संख्या में ऐसे छोटे किसान अमूल के साथ जुड़ चुके हैं। अब समझिए बनारस में ये प्लांट कितना रोजगार लेकर आया है। इस प्लांट से 750 लोगों को प्लांट में ही काम मिलेगा जबकि 2,350 लोग फील्ड में रोजगार पाएंगे। इस प्लांट से लगभग 1,00,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। अभी तक 80,000 किसान इस प्लांट से जुड़ चुके हैं और 1,346 गांवों तक रोजगार के अवसर पहुंचे हैं। इस प्लांट से पूर्वांचल और बिहार को सबसे ज्यादा फायदा होगा। यहाँ इस कार्यक्रम में और एक बड़ा काम हुआ, लाभांश के तौर पर बनास डेयरी ने आज यूपी के डेयरी किसानों के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कराए हैं। बनास प्लांट से आसपास की गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी मौका मिलने वाला है। इसी के साथ साथ बनारस के लाल पेड़े और लौंग लता का स्वाद भी अमूल देश और दुनिया तक पहुंचाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।